हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नोतुन शुरजो करती हूँ आप सभी लोगों का वेलकम। आप लोग कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ और आई होप बहुत सारे प्रॉब्लम के बीच में भी हमको ठीक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने आ रहा है नवरात्रि जो चालू हो गया है। क्या नवरात्रि नहीं चालू हुआ? एक दो दिन में शायद चालू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बंगाली लोग मनाते हैं दुर्गा पूजा, और दुर्गा पूजा चालू होता है हम लोगों का 5th डे से। तो हम लोगों का 20-21 तारीख से है चालू, तो उसके पहले ही आज तो है तारीख 14th, तो 16-17 से चालू, आई थिंक 17 से चालू होगा नवरात्रि। तो नवरात्रि शुरू होने से पहले अब सभी लोगों को करती हूँ ढेर सारा वेलकम। नवरात्रि जैसे जैसे आती रहेगी, मेरा ब्लॉग भी होपफुली, अगर आप लोगों का कृपा रहा, आप लोग मुझे सब्सक्राइब किए, लाइक किए, कमेंट्स किए करे, तो मैं भी नवरात्रि में एक एक दिन एक एक कुछ नया लेके आने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये है एक फेस्टिवल सीजन। लेकिन ये फेस्टिवल सीजन में तो थ्रोबैक थर्सडे बंद नहीं हो सकता है, स्टोरी सुनाने का दिन बंद नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को आज एक छोटा हम लोग जो पूजा चालू है बंगाली एसोसिएशन का, वो एसोसिएशन का आज हुआ है खुटी पूजा। खुटी पूजन का मतलब होता है जो कंस्ट्रक्शन हम क्रिएट करते हैं वो, उसका जो पहला चरण होता है, जैसे भूमि पूजन होता है उसी तरह खुटी पूजा भी होता है, तो वो आज हमारा कम्प्लीट हुआ, क्योंकि रेस्ट ऑफ जो मंथ हमारा गया उसमें हम लोग का कोई शुभ काम नहीं हो सकता था बोल के इतना दिन तक ये चीज रुका हुआ था। तो एनीवे वो क्लिप इसके बाद ही आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का थ्रोबैक थर्सडे, लेकिन एक करंट वीडियो के साथ। आप लोगों को फुटेज देख के कैसा लगा पक्का मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आज ही मैंने कैप्चर करके खास आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। और दूसरी बात है, अगर आप लोग ये रिचुअल से मतलब जान पहचान रखते हो, आपको भी मालूम है कि ये रिचुअल आपके स्टेट में, आपके शहर में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मनाया जाता है, रिचुअल क्या है, तो प्लीज कमेंट्स करके मुझे पक्का बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स के इंतजार में रहूंगी। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं आज का स्टोरी। जहां एक इवेंट होने वाली है दुर्गा पूजा, ये बहुत बड़ी इवेंट होती है हर साल, इस साल थोड़ी अलग है, वर्चुअली पूजा होगी, हम लोग नहीं मिल पाएंगे, गैदरिंग अलाउड नहीं है, फिर फूड आइटम अलाउड नहीं है, बहुत सारा हम लोगों का जो रूल एंड रेगुलेशन है, रिस्ट्रिक्शन थोड़ी बहुत है, तो वो सब चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए भी हम लोग अपना जो प्रिकॉशन लेके आगे बढ़ रहे हैं, दैट्स इनफ। हमको लगता है हम लोग ज्यादा गैदरिंग नहीं कर रहे हैं, मास्क और सैनिटाइजर हमेशा यूज कर रहे हैं, तो ऐसे चल रहा है। तो जाने दीजिए इस साल का इवेंट कैसा कैसा होता रहेगा, वो तो मैं आप लोगों को शेयर करती रहूंगी मेरे ब्लॉग में। तो चलिए इवेंट का जब बात हो रहा है, तो एक इवेंट का स्टोरी आज मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तब मैं पढ़ती थी क्लास 4th में, 4th स्टैंडर्ड में। ज्यादातर जो स्पोर्ट्स होता था वो होता कंडक्ट, स्कूल कंडक्ट करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम सॉरी मोस्ट ऑफ द टाइम होता था ठंडी के समय। और हम लोगों के इवेंट में बहुत कुछ होता था, रनिंग होता था 100 मीटर 200 मीटर, ये सारे रनिंग होता था, फिर शॉर्ट पट, डिस्कस, स्किपिंग, साइकिलिंग, बहुत कुछ होता था, जैवलिन। और उसमें एक कैटेगरी होता था गो एज यू लाइक, आपको जैसे करना है आप वैसे करो। तो ये गो एज वेल लाइक ऐसा होता था, लाइक आप लोगों के स्कूलों में हुआ करता था कि नहीं, तो पक्का ये भी आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, और नहीं भी होता है
तो प्लीज मेरा स्टोरी सुन के आप लोग एंजॉय कर सकते हो आज का स्टोरी, और इमेजिन कर सकते हो कितना फनी ये हुआ था। मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर रही हूँ, मुझे बहुत खांसी आ रही है तो मैं थोड़ा पॉज लेती हूँ। चलिए फाइन, मैं थोड़ी सी पानी पी लिया और मेरा ठीक हो गया ऐसे ही। तो ये कहा थी, हाँ वो इवेंट में अक्सर ठंडी के दिन में होता था, और हम लोग जहाँ पले बड़े हैं वहां का जो ठंडी है बहुत बहुत एक्सट्रीम ठंडा, मतलब हम लोग ऐसे थर 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 कांपते थे। हम लोगों को ग्लव्स लगाना पड़ता था, मफलर लगाना पड़ता था, टोपी लगाना पड़ता था। तो ऐसे हम लोग मतलब यूज टू थे ये सब चीजों से। तो एक बार जब फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तो मैंने सोचा गो एज वेल लाइक मैं भाग लू, क्योंकि मैं दौड़ने कूदने में उतना ज्यादा स्पोर्टी नहीं थी जितना माहिर मैं इंडोर गेम में हूँ। आउटडोर गेम में बैडमिंटन छोड़ के, साइकिलिंग और बैडमिंटन छोड़ के मैंने खो खो कबड्डी भी खेली हूँ, लेकिन उतना ज्यादा मतलब कभी स्कोरिंग मतलब ऐसा हाई फाई कुछ नहीं थी, मीडियोकर थी। मैं क्या क्या करूं, क्या पहनूं, क्या करूं, तो दिमाग में सडनली थॉट आया कि मैं एक बेगर का एक्टिंग करती हूँ, एक बेगर बनती हूँ। तो मम्मी का एक कपड़ा लिया और उसको अच्छे से गीला किया। गीला करने के बाद उसमें उस मतलब उसको अच्छे से मिट्टी में रगड़ 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 के मैंने उसको मतलब वो किया, क्या बोलते हैं, रगड़ी, अच्छे से रगड़ी। रगड़ने के बाद वो बहुत गंदा दिखने लगा, उसमें स्मेल भी मतलब मिट्टी का एक अजीब स्मेल होता है ना, तो स्मेल भी थोड़ा बहुत मतलब आ गया, और कपड़े थोड़ी बहुत इधर उधर से फट भी गया। तो मेरा जो कॉस्ट्यूम था वो ऑलमोस्ट हो गई रेडी, और ये मैं दो दिन पहले ही करके रखी थी कि मुझे देखना था लुक कैसा आता है इसका। तो इवेंट का दिन आया, सुबह मैं उठी तैयार होने के लिए, तो अंदर मैंने एक कॉटसूल होता है ना, कॉटसूल, कॉटसूल का वो वेस्ट डाली और उसके ऊपर एकदम वो कपड़ा अच्छे से लपेट के लिया, ऐसा घूंघट ओढ़ लिया, और मुंह में भी थोड़ा बहुत मतलब काली वाली ऐसा डार्क ऐसा ऐसा धब्बा वब्बा लगा लिया। उतना गुड एक्टर नहीं हूं मैं, तब पर भी उस दिन थोड़ी बहुत एक्टिंग किया। तो ठंड तो बहुत लग रही थी लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा थी। गो एज वेल लाइक में ऐसा एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए होता है कि आप अगर कुछ बनते हो तो लाइक कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो बिल्कुल वो कैरेक्टर की तरह आपको लगना चाहिए होता है, और अगर आप डिफरेंट कुछ कर रहे हो तो आपको पहचान में नहीं आना चाहिए। और मतलब मुझे ऐसा डर लग रहा था सब कोई मुझे पहचान लेंगे पहचान लेंगे पहचान लेंगे। अल्टीमेटली मैंने ऐसे थर 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 कांपते कांपते स्कूल तक पहुंची। पहुंचने के बाद जब ये हमारा इवेंट का टाइम आया गोवाज ब्लैक का, तो सब ऐसे बैठे ही रहते थे, अनाउंसमेंट होता था। तो जैसे ये टर्न आया हमारा तो मैं उठ के गई, और हमको क्या करना पड़ता था, ऐसा ग्राउंड होता था, ग्राउंड में हमको सर्कल लगा के धीरे 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 जिनको जो एक्ट करना है वो करते थे। तो मैं भी चालू हो गई, तो ऐसे तो मुझे कुछ एक्ट करना नहीं था। और हिंडोलियम बोलते हैं शायद, कोई एक मतलब एल्युमिनियम टाइप का कुछ कटोरी आता था टूटा फूटा। मम्मी के पास एक्चुअली एक था हिंडोलियम का कटोरी, वो कटोरी भी मैंने कैरी किया था, और उसके अंदर कुछ पैसा भी डाल के लेके गई थी। एकदम लुक लाइक ए बेगर। तो ऐसा घूमने लगी धीरे धीरे, तो मुझे तो कुछ ऐसा डायलॉग बोलना नहीं था, तो ऐसा खाली कटोरी लिया, कटोरी लेके सबके सामने ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे मुंह फिरा के राउंड मार ली। जब मैंने राउंड मारना चालू किया, भले ही उसमें मुझे प्राइज नहीं मिला था, प्राइज मिला था मतलब इंडिया पास्ट इंडिया प्रेजेंट, ऐसा एक जन ने ड्रेस किया था, अभी भी मुझे इवेंट याद है, इंडिया पास्ट इंडिया प्रेजेंट, फिर एक कोई गांधी बने थे इनको, और एक कुछ तो थर्ड वन मुझे नहीं याद आ रहा है। एनीवे, तो जब मैं घूम रही थी तो टीचर लोग को मुझे देख के बहुत दया आई कि अरे बाप रे, इतना ठंडी में इतना कम कपड़े में इतना मतलब ये एक्टिंग,
कर रही है, कितना इसको मतलब वो है। और जब मैं रोड में चल के आ रही थी स्कूल से, तो मुझे भले ही प्राइज नहीं मिला, लेकिन जब मैं जा रही थी सुबह सुबह स्कूल, तो बहुत जो मेरे आसपास से गुजरे हैं, किसी ने तो किसी से मैंने भीख मांगी नहीं। अगर शायद भीख मांग लेती तो मुझे उस दिन भीख मिल ही जाता, दो चार पैसा। और एक दो जन बस स्टॉप, ऐसे बस स्टॉप हुआ करता था स्कूल के सामने, बस स्टॉप को क्रॉस करके हमारा स्कूल होता था, तो बस स्टॉप में कोई अंकल खड़े थे उनके फैमिली के साथ, तो बोल रहे देख कितनी मजबूर है, इतना ठंडी में बदन में कपड़ा भी नहीं, भीख मांगने के लिए निकल गई सुबह सुबह इतनी सीख लड़की। भले ही मुझे स्कूल से प्राइज नहीं मिला था, एप्रिसिएशन तो मुझे स्कूल में भी मिला और बाहर वाला भी। मेरा ड्रेसिंग सेंस और मेरा जो ड्रेस मैंने किया था वो देख के उनको लगा कि मैं सच में एक बेगर हूँ। तो आज का स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा पक्का मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप लोगों के साथ स्कूल लाइफ कॉलेज फेस्ट वगैरह कहीं पर भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो प्लीज कमेंट्स करके मुझे पक्का 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 शेयर करिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग जब मुझे कमेंट्स करते हो तो मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ इन टाइम बिंग। तो स्कूल लाइफ ऑलवेज अच्छा था, हर टाइम अच्छा रहेगा। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमको लगता है कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, लेकिन जब खत्म होके हम बड़े हो जाते हैं तब हमको एहसास होता है कि स्कूल लाइफ वॉज द बेस्ट। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है? आज का मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही है एंड में आके, कैसा भी है कुछ भी है, स्कूलिंग अच्छे से कंप्लीट करो और स्कूलिंग लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी करो, सारे एक्टिविटी करो, खेल कूद ड्रामा पढ़ाई सब में। जरूरी नहीं है कि अब्बल आओ, लेकिन पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेशन ही बहुत कुछ होता है। मैं कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ अपने बच्चों से कि वो जाके ट्रॉफी लेके आए, मेडल लेके आए, लेकिन लड़ने की क्षमता वहीं से तैयार होता है जब आप कहीं पर पार्टिसिपेट करते हो। इससे आपका नॉलेज भी बहुत बढ़ता है और आपका जो नॉलेज होता है वो आगे जाके किसी के साथ अगर शेयर करते हो तो वो भी बहुत वैल्यूएबल होता है। तो यही नोट पे आज का ब्लॉग स्टोरी टेलिंग मैं करती हूँ खत्म। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, डू लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।